हे एवरीवन, दिस इज जुनैद शेख। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ इन्फिनिक्स नोट 12। तो इसकी आज अनबॉक्सिंग करेंगे, क्योंकि इन्फिनिक्स का नया मॉडल है जो पाकिस्तान में लॉन्च हुआ है, तो इसकी अनबॉक्सिंग भी करेंगे। इसमें बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं, उसकी भी बात करेंगे डिटेल के साथ। लेकिन आपको मैं पहले अगर ऊपर से बताता जाऊँ, उसके अंदर हमें जो मेन चीज़ दी गई है, 5000 mAh बैटरी दी गई है, 6 GB इसकी रैम दी गई है, और इसके अलावा इसके में 128 GB इसकी मेमोरी दी गई है। नेटवर्क की बात करें तो वो हमें 4G ही देखने मिल रहा है। अगर प्रोसेसर की बात करें तो हमें हेलो G88 देखने मिल रहा है। तो सबसे बेस्ट ये चीज़ है, अभी भी ऑप्शन आप क्लिक करें 88 तो इसका प्रोसेसर हमें देखने मिल रहा है। कैमरे तो इसके बहुत ज़्यादा, लेकिन हम इसको खोलते हैं सबसे पहले, फिर डिटेल से बात करें। जो अगर डिस्प्ले की बात करें तो हमें AMOLED डिस्प्ले देखने मिल रहा है, जो हमें वैसे हमें सैमसंग के मॉडल में देखने मिलता है, लेकिन इस दफ़ा हमें इसमें देखने। लेकिन हम टाइम ज़ाया करने के बगैर इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। तो आज की अनबॉक्सिंग बहुत अच्छी होने वाली है, क्योंकि इन्फिनिक्स के बॉक्स देखे जाए तो बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें इसमें दी गई हैं। तो अगर हम करीब आगे आपको दिखाएं तो ये आप देख सकते हैं, हमें AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, 6 FHD टेड कलर के साथ दिया गया है, जो AMOLED डिस्प्ले के साथ हमें दिया जाता है। इसके अलावा हमें 6 GB रैम दी गई है। इसके अलावा हमें इसके अंदर जो रैम 11 एक्सटर्नल बन सकती है, एक्स्ट्रा हमें 5 GB भी दी गई है। उसके अलावा 6.9 mm अल्ट्रा स्मार्ट डिस्प्ले दिया गया, जो हमें साइज़ होता है, ठीक है। इसके अलावा हमें ये जो प्रोसेसर मैंने आपको बता दिए, इसके अलावा हम चलते हैं इसके चार्जर की तरफ के चार्जर इस दफ़ा हमें कितने वाट का दिया गया, हमें वो भी डिटेल से डिटेल बात करते रहते हैं। तो अगर इस दफ़ा हम पाउच की बात करें इन्फिनिक्स के, तो बहुत ही स्मूथ, ये आप देखें बिल्कुल, पहले इसके अंदर हमें बिल्कुल हार्ड ये चीज़ें देखे, अगर मैं आपको ये दिखाऊँ ये बिल्कुल बंद हो गया, जो हमारा मोबाइल इससे बहुत अच्छा होने वाला है। इसके अलावा हमें वारंटी कार्ड दिया गया है, एक जो डॉलर हम पीछे रख सकते हैं इसके, उसके लिए भी खूबसूरत के वैसे भी इसके क्लब के लिए बन सकते हैं। इसके अलावा हमें ये एक चीज़ें दी गई हैं, इसके अलावा एक और वारंटी कार्ड है। अगर हम मेन करते हैं इसकी चार्जर की बात, तो चार्जर हमें इसका दिया गया है 33 वाट का फास्ट चार्जर 5000 mAh बैटरी के साथ। तो आप चार्जर देख सकते हैं, चार्जर बड़ा है। अंदर ओरिजिनल की बात करें, क्योंकि दुकानदार आजकल बिल्कुल चेंज कर लेते हैं, तो इसके अंदर हमें रेड कलर का देखने में मिलेगा। इसके अलावा सिम जैक्टर है, इसके अलावा सी पोर्ट है, जो हमें देखने में मिल रही है, जो आप डिटेल से डिटेल में आपको बताता रहता हूँ। तो इस दफ़ा हमें इसके अंदर हेडफोन देखने में नहीं मिला है। तो हम चीज़ें सेट पर रख लेते हैं, तो हम चलते हैं सेट की तरफ ना। तो गाइस आप लुक देख सकते हैं इसकी, अमेजिंग 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 लुक है। तो अगर इसके हम मेन पहले सब चलते हैं कैमरों की तरफ, अगर हम इसके बैक कैमरों की बात करें तो 50 MP ये हमें कैमरा दिया है, 2 MP एंड दिया गया आगे, OVGA कैमरे विद डुअल फ्लैश लाइट के साथ दिया गया। तो भाई जैसे कि हमें सैमसंग के बड़े से बड़े मॉडल में देखने में, लेकिन इसके अंदर हमें 50 MP कैमरा देखने में मिलता है, जो अल्ट्रा स्मूथ, अगर हम इसको वीडियो में या पिक्चर में यूज़ करें तो सबसे ज़्यादा। अगर हम इसकी बॉडी की बात करें तो आपको मैंने पहले बॉडी बता दी है कि क्या स्मूथ है उसकी, ये बॉडी का होता है। अगर हम इसकी बैक की बात करें तो हमें शीशा और बैक पर हमें ये इन्फिनिक्स देखने में मिला है। अगर हम इस साइड पर चलते हैं तो इसके अंदर हमें वॉल्यूम का और इसका जो सेंसर हमें इधर देखने में मिला है। अगर हम चलते हैं इसके नीचे साइड पे, हमें हेडफोन सी पोर्ट जैक चार्जिंग वाला एंड स्पीकर जाली देखने में मिली है। अगर इसके अलावा हम फ्रंट कैमरे की बात करते हैं, फ्रंट कैमरा जो हमें सबसे अच्छा दिया गया है, वो भी ज़बरदस्त पंच होल के साथ दिया गया है, तो अमेजिंग चीज़ के साथ दिया गया है। तो हम चलते हैं इसको सेट को ऑन करते हैं, क्योंकि सेट को ऑन करके इसका डिस्प्ले देखते हैं चीज़ें। लेकिन जब तक ऑन हो रहा है मैं आपको इसकी स्लिम चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, एक अगर स्लिम चीज़ दिखाई जाए तो बिल्कुल स्लिम। मैं इसलिए वीडियो ये बिल्कुल स्लो स्लो बना रहा हूँ कि ना सबको डिटेल पे डिटेल मोबाइल का पता चल जाए। आप इसको देख सकते हैं, ये सेट हमें बड़े बड़े सेटों में ऐसा रिजल्ट देखने में मिलता, लेकिन इस दफ़ा हमें इसी के अंदर ही रिजल्ट देखने में मिल रहे हैं। अब इसको देख सकते हैं, फ्रंट कैमरे की बात कर लेते हैं, फ्रंट कैमरा हमें 16 MP FF डुअल फ्लैश लाइट के साथ देखने में रहा है। सेट हम ऑन कर लेते हैं तो फिर हम आपको मिलते हैं। तो गाइस हमारा डिवाइस हो गया ऑन, तो हम चलते हैं डिवाइस की तरफ।
इसके आप कलर्स चेक कर सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त अच्छे कलर के साथ दिए गए हैं। अगर करीब जाए तो आप चलते हैं हम कैमरों की तरफ, सबसे पहले मेन कैमरों की तरफ ना, तो इसके अंदर आप देख लें शॉर्ट वीडियो भी है, शॉर्ट वीडियो वीडियो एआर कैमरा भी दिया गया है, सुपर नाइट मोड दिया गया है, इसके अलावा पोर्ट्रेट दिया गया है, इसके अलावा हमें स्लोमो के साथ दिया गया है, आप मुकम्मल इसकी दे सकते हैं। शॉर्ट वीडियो हमें वीडियो का रिजल्ट, वीडियो हमें 1080 मेगापिक्सल के साथ भी बना सकते हैं। तो डिटेल बाय डिटेल मैं आपको पोर्ट्रेट भी इसकी एक तस्वीर बना के दिखा देता हूँ। ये पोर्ट्रेट है। जो हमें मेन चीज़ दी गई है इसके अंदर सुपर नाइट जो 50 मेगापिक्सल के साथ दी गई है, आप देख सकते हैं कि ये रात के टाइम हमें वो दिए गए। इसके अलावा हम इसके जो नॉर्मल कैमरा है एआर कैमरा उसके साथ भी इसकी फ़ोटो बना लेते हैं। अब चलते हैं फ्रंट कैमरे की तरफ ना, तो फ्रंट कैमरे की बात करें तो फ्रंट कैमरे के अंदर हमें स्लोमो शॉर्ट वीडियो, इसके अलावा हमें पोर्ट्रेट फ्रंट पे भी देखने में मिल रहे हैं, मैं उसकी भी एक पिक्चर बना लेता हूँ। इसके अलावा हमें सुपर नाइट कैमरा भी इसके अंदर देखने में मिल रहे हैं। तो हम चल जाए बैक की तरफ, बैक की तरफ जो अगर जाके चेक कर लेते हैं मेन चीज़ के, ये देखिए ना, ये भी हमें ऑप्शन जो दिया गया है, ये जैसे हमें आईफोन में इन चीज़ों में ऑप्शन देखने में रहा, तो इसमें मैं उसके अलावा इस ऑप्शन में ब्यूटी जो ऑप्शन है इसका वीडियो में, अगर हमें इसकी वीडियो बना रहे हैं तो ये आप देख सकते हैं कि इसको ब्यूटी में ख़त्म कर दी, ब्यूटी ख़त्म हो गई। अगर हम ब्यूटी लगाना चाहते हैं तो इसकी ब्यूटी ऑन हो गई है। तो आप डिटेल बाय डिटेल देख सकते हैं। इसके अलावा हम चलते हैं पहले इसकी जो हमने पिक्स वगैरह बनाई हैं, ये हमने फ्रंट कैमरे से पोर्ट्रेट से और ये बैक से हमें पोर्ट्रेट से बनाई है, ये सिंपल कैमरे से बनाई है। तो हम चलते हैं इसकी डिटेल में। तो आप इसकी करीब से देख, जो एंड्रॉयड दिया गया है हमें 11 दिया गया है, जो हमें चिपसेट दिया गया है वो हेलो G99 दिया गया है। फ्रंट कैमरा भी आपके सामने, बैक कैमरा भी है, रैम भी आपको बता दी गई है। इसके अलावा हमें स्क्रीन का साइज़ भी 12000 mAh बैटरी, ये मुकम्मल डिटेल के साथ इसमें इंफॉर्मेशन हमें दी गई है। अभी हम चलते हैं इसकी आवाज़ की तरफ। तो इसके आप साउंड देख लेते हैं, स्ट्रीम में साउंड दिया गया है जो अच्छा साउंड दिया गया है। अच्छा, इसके अलावा हम चलते हैं इसकी और भी ऐसी चीज़ों पे के कलर वगैरह क्या चीज़ें, स्पीड वगैरह इसकी। तो अगर हम चलाने में देख रहे हैं तो सेट बहुत ही अच्छा और मुनासिब तरीके से चल रहा है, तो मेरा ख्याल है तो अच्छा सेट दिया गया है। तो इसकी एक वीडियो में देखते हैं कि इन्फिनिक्स की कोई वीडियो पड़ी हो, तो वाइज की कोई वीडियो शीडियो कुछ नहीं पड़ी मैंने, आपको मुकम्मल इसमें चीज़ें इंस्टॉल है वो भी आपको देख लें, जो इसकी नेचुरली जो कंपनी की तरफ से इंस्टॉल चीज़ें हैं वो सारी इसमें आपको इंस्टॉल देखने में मिली है। इसके अलावा हम चल जाते हैं इसकी सेटिंग में, हमें आई सेंसर भी देखने में मिला है, जो सेंसर हमें, इसके लिए हमें स्क्रीन रिकॉर्डर भी देखने में मिल रहा है, आप इसको देख सकते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डर भी है इसके अंदर। और इसके अलावा हमें आईफोन, मतलब कि हम रात को मोबाइल यूज़ कर रहे हैं या कुछ भी यूज़ कर रहे हैं उसके लिए भी हमें ये फ़ायदेमंद हो सकता है। ऐसे ये आ गया, ऑटो भी, लाइट भी आ गई, स्क्रीन भी आ गया, तो ये सबसे जो अच्छी चीज़ गई है, हमें वीडियो रिकॉर्डिंग भी साथ दी गई है। तो आज की हमारी वीडियो ही एक कम्प्लीट। तो हम करते हैं इसकी प्राइस की बात। अगर हम पाकिस्तान की प्राइस की बात करें तो हमें 31,000 रुपये में प्राइस में देखने में मिले हैं। अगर हम यही सेट को बड़े सेटों में देखें तो हमें उसमें बहुत ज़्यादा महंगे चीज़ें देखने में मिला है। तो बस आज की हमारी वीडियो कंप्लीट। जाने से पहले जिसे मैं चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन मत दबाना, मत भूलिएगा। इसका रिव्यू मैं पबजी का और उन चीज़ों का रिव्यू मैं ज़रूर डालूंगा। मेरे अगली वीडियो के लिए वेट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।